क्या आप लोग अमेज़ोन यूज़ करते हैं और क्या आप भी अमेज़ोन से कोई सस्ती चीज़ महंगी परचेज कर लेते हैं, तो वो अब नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, क्रोम में एक एक्सटेंशन आती है जिसे कहते हैं कीपा। तो चलिए हम लोग अपनी डिस्प्ले की तरफ देखते हैं। आप लोग अपने क्रोम में जाएंगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन में आप जाएंगे यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन पे। मैनेज एक्सटेंशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मेन्यू बार मिलेगा, मेन्यू बार पे क्लिक कर लेना दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे हम लोग जाएंगे। इसके बाद हम लोग सर्च में सर्च करेंगे कीपा, KEEPA, ये ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग ऐड टू क्रोम कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ऐड एक्सटेंशन, ये आपका कीपा अटैच हो चुका है। अब आप जब भी यहाँ पे जाएंगे और इसे पिन अप कर लेते हैं तो ये यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद हम लोग अमेज़ॉन ओपन कर लेते हैं। अमेज़ॉन पे आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे सपोज दैट मैं उसे ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने टीवी ओपन कर लिया। इस टीवी को हम लोग स्क्रॉल डाउन करके, आपको ये कीपा वाला सिंबल दिख रहा है, इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोएस्ट प्राइस क्या था इसका। ये तो अभी रिलीज ही हुआ है, इसका लोएस्ट प्राइस नहीं शो कर रहा है। हम लोग कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये है बेनिक्यू का मॉनिटर, इस पर हम लोग चेक करते हैं। ये आपका कीपा का पैराग्राफ आ गया, देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है इसका पूरा पैराग्राफ कि ये 17,057 रुपये का था। उसके बाद इसका डाउनफॉल कहाँ पे गया है, ये आपको 14,990 रुपये का भी मिल सकता है। तो आप इसे महंगा ना परचेस करें, 14,990 का जब रेट आए तब आप इसे परचेस कर सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जानने के लिए हमारे टेक पॉज को सब्सक्राइब करें।